देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में रिश्वतखोरी हुई है। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स बेचे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर कांग्रेस के लोगों के नाम है। मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? सबसे पहले जांच तो करे, जांच करने के लिए पुलिस रिमांड तो लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना तो पड़ेगा, भाई आपका नाम आया है, ये सबूत है आपके खिलाफ, उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मैं ये सोचा था कि खुदा ना खास्ता सोनिया जी की जगह मान लो मेरा नाम होता उसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। अभी तक मोदी जी आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने में, सारी एजेंसीज मेरे कमरे के बाहर खड़ी होती, सीबीआई, ईडी, फीडी, जितनी इनके पास है, एसीबी, पैरामिलिट्री फोर्स सारी, और घसीट के ले जाते मेरे को अपने घर से। आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने, सोनिया जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे मोदी जी। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी वो शख्स हैं जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जेल में डालने में 2 मिनट नहीं लगाते, तो सोनिया गांधी जी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। 2 साल हो गए सरकार बने हुए एनडीए की, रॉबर्ट वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा जी से अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। पूछताछ करने के लिए आपको उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस रिमांड लेनी पड़ती है, पुलिस उससे पूछताछ, पुलिस पूछताछ भी नहीं हुई अभी तक। गांधी परिवार के साथ मोदी जी के जो रिश्ते हैं वो सब सामने आ रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं मोदी जी से कि जितनी तत्परता वो आम आदमी पार्टी के लोगों को अरेस्ट करने में दिखाते हैं। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, कोई सबूत नहीं था। सोनिया जी पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, रॉबर्ट वाड्रा पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, मेरे पे केजरीवाल पे सीबीआई की रेड कराएंगे। तो मैं मांग करता हूं, अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करके दिखाओ।